नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आप सभी स्टूडेंट को रिवीजन का बहुत इंतजार है और क्लास ट्वेल्थ की एग्जाम आ रही है, तो फिर आप रिवीजन चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने एक रिवीजन तैयार किया है, सुपर रिवीजन क्लासेस। और इसमें आपको मिलेगा क्लास ट्वेल्थ का रिवीजन। और इसमें आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 से, सरफेस केमिस्ट्री से। तो इसमें सरफेस केमिस्ट्री क्या है, इन सारी बातों के लिए मैं विशेष तौर पे इस क्लास को हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूं, और वो स्टूडेंट जिनको एक्चुअली रिवीजन नहीं मिल पाता है। तो अब देखेंगे, इसमें सबसे अच्छी बात ये होने वाली है कि आपको नोट्स भी यहां पर अवेलेबल होने वाला है, नोट्स भी मिलने वाला है। आप स्क्रीनशॉट लेके इनको याद भी करते जाइए और साथ में इनको समझते भी जाइए, और पूरी बातें रिवाइज हो जाएगा। जब ये पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो उसके साथ आपको एमसीक्यूज के रूप में टेस्ट देना है, और इसके वीवीआई क्वेश्चन का को भी अपलोड करेंगे आपके लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखें, सरफेस केमिस्ट्री यानी कि सतह रसायन या पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन किसे कहेंगे? यहां पर हमने लिखा है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या किसी पदार्थ, ठोस या द्रव के सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ठोस या द्रव की सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, सतह रसायन कहलाता है, पृष्ठ रसायन कहलाता है। और ये जो बात है, ये बात यहां पर इस बात पर निर्भर करती है कि प्रवस्थाओं को पृथक करने वाली सीमा रेखा को हम सतह कहते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर ये ठोस है, ये ठोस है, और आप किसी जगह पे इस ठोस को रखे हो, तो कहां रखे हो? एटमॉस्फेयर में रखे हो, गैसों के साथ रखे हो, तो ये दो फेस है, यानी कि गैस और ये है सॉलिड। इनको जो पृथक करने वाली ये रेखा है या ये जो लाइन है, ये जो सरफेस है, इसी को कहा जाता है सरफेस। अब यहां पर तीन बातें करेंगे कि यहां पर पृष्ठ रसायन के अंतर्गत हम किन घटनाओं का अध्ययन करते हैं। पृष्ठ रसायन के अंतर्गत हम अधिशोषण यानी कि एड्सॉर्प्शन, उत्प्रेरक कैटलिस्ट, और थर्ड है कोलाइडल अवस्था यानी कोलाइडी अवस्था का अध्ययन करते हैं। अब चलें आगे, आपको क्लियर हो गया पृष्ठ रसायन क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव के सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सारी बातें लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए आपको यहां पर वो सारी बातें याद हो जाएगा जिनकी आपको जरूरत है, एक तरह का रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, इसीलिए यहां पर अलग से लिख के नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि टाइम इससे बचेगा, इसीलिए हमने लिख के रखा है आपके लिए सारी चीजों को, सारे नोट्स लिखा हुआ है, हाथ से लिख के नहीं बता रहे। तो क्लियर है आपका। तो हम इसके अंतर्गत तीन घटनाओं का अध्ययन करेंगे जो यहां पर आपने देखा है, अधिशोषण, उत्प्रेरक और कोडालिटी अवस्था। अब इनके बारे में हमारे पास तीन वीडियोज बनेंगे। फर्स्ट वीडियो है अधिशोषण से रिलेटेड यानी कि एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड। एड्सॉर्प्शन, अधिशोषण, अधिशोषण है क्या चीज? अधिशोषण है ठोस या द्रव की सतह पर किसी अन्य पदार्थ के अणुओं का जुड़ना, संयोजन करना, अधिशोषण कहलाता है। और एक दूसरा शब्द, अधिशोषण और अवशोषण शब्दों को समझें। अधिशोषण शब्दों के लिए मैं यहां पर एक फिगर बना रहा हूं, आप समझेंगे कि मैंने कोई एक पदार्थ है, देखें ये सॉलिड है, और इस सॉलिड पर किसी दूसरे पदार्थ की कणों का या अणुओं का इस तरह से जुड़ना, सतह पर ही जुड़ पाना क्या कहलाता है? अधिशोषण। और ये एक परत भी हो सकता है, यानी कि एक लेयर में भी हो सकता है, कई लेयर में भी हो सकता है। तो सिर्फ सतह की अणुओं के द्वारा ही ये संयोजन होती है, तब इस घटना को कहा जाता है अधिशोषण, एड्सॉर्प्शन। लेकिन अवशोषण क्या है? किसी ठोस पदार्थ के द्वारा किसी बाह्य पदार्थ को या दूसरे पदार्थ को इस तरह से संयोजित करना कि सतह पर भी और आंतरिक अणुओं के द्वारा भी जोड़ लेना, अवशोषण कहलाता है। तो दो तरह से आप यहां पर समझ रहे हैं इन बातों को, कि यह पदार्थ के भीतर तक होने वाली घटनाओं जिसमें गैस या उसके पदार्थ के सतह पर, यानी यहां पर हमने बोला है कि गैस का या कोई द्रव के अणुओं का
सतह पर भी और उनके आंतरिक हिस्सों में भी जाकर संयोजित हो जाना, जुड़ जाना, इस घटना को हम कहेंगे अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। अधिशोषण मतलब सिर्फ सतह की पर ही उस पदार्थ का संयोजित होना अधिशोषण कहलाता है, अंदर से चले जाना अवशोषण कहलाता है। चौक, चौक को पानी में डुबाते हैं फिर निकाल लेते हैं, अब क्या देखते हो पानी जो है चौक के अंदर चली जाती है, तो वो अवशोषण का एग्जाम्पल है, एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। लेकिन एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल क्या होगा, एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल आप इस तरह से यहां पर फिजिकली आप नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए कुछ बातों को हम ध्यान में रखेंगे, कुछ एग्जाम्पल आपको बताएंगे। जैसे नारियल का चारकोल है या हड्डी का चारकोल है, ये रंगों को, रंग और गंध को एड्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। लेकिन किस तरह सोखती है, कि जो गंध वाली गैसें होती हैं, गंध वाली अणुएं जो होती हैं, पदार्थ होती हैं, उनको चारकोल की सतह पर वह अणुएं संयोजित हो जाती हैं। तो इनके डिटेल्स पढ़ने वाले हैं, फिलहाल ये दोनों की परिभाषाएं आप नोट कर सकते हैं। आगे चलें। सवाल यह होता है कि अधिशोषण हो रहा है, फिर अधिशोषण सिर्फ सतह पर क्यों हुआ, अंदर क्यों नहीं गया, वो अणुएं जो ठोस की सतह पर ही क्यों जुड़ती है। इसका रीजन यह है, यहां पर इस बात पे ध्यान दें कि जो पदार्थ है, जो ठोस है, जो पदार्थ को अधिशोषित करती है, जोड़ती है अपने पे, वो अपनी सतह पर ही जोड़ती हैं। क्यों, देखें इस बात पे ध्यान देंगे कि जो अणुएं उस ठोस, वो जो ठोस है उस, वो भी कई अणुओं से बना होगा, कई परमाणुओं से बना होगा, इस तरह से देख रहे हैं, ये कई परमाणुओं से बना होगा। तब क्या होगा कि जो अंदर की अणुएं हैं वो, या अंदर के परमाणुएं जो है वो सभी तरफ से दूसरे अणुओं से घिरा होगा और संयोजित होगी, जुड़ी होगी। लेकिन जो सतह पर जो अणुएं हैं या परमाणुएं हैं वो क्या है, आंतरिक, अंदर की ओर तो जुड़ी होती है किसी न किसी परमाणु या अणु से, लेकिन बाहर की तरफ उनकी जितनी भी संयोजकताएं होती हैं वो ओपन रहता है, खुला रहता है, बाकी रहता है। सो इस कारण से क्या होता है, वो अंदर किसी पदार्थ को आकर्षित नहीं कर सकते, नहीं ले जा सकती हैं और उसमें जोड़ने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन सतह पर जो अणुएं होते हैं या परमाणुएं होती हैं वो किसी अन्य पदार्थ को जोड़ने की या संयोजित करने की क्षमता रखती है। इसी कारण से अधिशोषण जब होता है तो वो सतह पर होती है। आपको एक एग्जांपल बताता हूं, समझेंगे। निकल, निकल हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण कर रही है, तो निकल की संयोजकता होता है 4। तो निकल के ठोस के अंदर जो उनकी परमाणुएं कैसे जुड़ी होंगी, एक निकल की परमाणु से 4 निकल की परमाणुएं इस तरह से जुड़ी होंगी, इस तरह से 4 निकल की परमाणुएं जुड़ी हुई हैं। इस तरह से ये परमाणुएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है और उनकी, तो देखिए आंतरिक परमाणु की तरफ जाओगे, अंदर वाली परमाणु की तरफ जाओगे तो ये परमाणुएं जो होती है अन्य 4 से जुड़ा हुआ है, मतलब इनकी कोई भी वैलेंसी खाली नहीं है। लेकिन सरफेस की बात करो, ये सरफेस है, बाहर की बात है, तो इस बाहर की तरफ देखो निकल की एक एक संयोजकताएं बची हुई हैं। सो आप समझ सकते हो कि इनसे बाहर की परमाणुएं जुड़ सकते हैं, यानी किस कोई पदार्थ अगर जुड़ना चाहेगा तो इस जगह पर, या कोई दूसरी अणुएं जुड़ना चाहेगा, संयोजित होना चाहेगा तो इन जगहों पर होगी। मतलब ये हुआ कि अणुएं जो है उस ठोस निकल के बाहर ही जुड़ पाती हैं। तो यहीं पर हमने इस बात को लिखा है, ठोस के अंदर भाग में स्थित कणों या परमाणुओं के सभी बल आपस में संतुलित रहते हैं, यानी सभी बल उसमें बंधित रहते हैं, यूज हुआ रहता है। लेकिन सतह पर स्थित कणों की कुछ संयोजकताएं असंतृप्त होती हैं, यानी कि बची होती हैं, शेष रहता है, ये शेष रहता है। इस कारण से ठोस को या द्रव को या उनके अणुओं को उसके संपर्क में लाने पर, ठोस के संपर्क में किसी द्रव या गैस को लाने पर क्या होगा, उस ठोस के द्वारा सतह पर स्थित परमाणुओं का असंतृप्त जो संयोजकताएं होती हैं वो अप्रयुक्त बलों से, यानी कि किसी बल से ये जुड़ जाती है, आकर्षण से जुड़ जाती है। तो इनको आप एक बार नोट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो ये सारी बातें हैं, आप नोट कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट चलें,
अब समझेंगे, जब अधिशोषण हो रहा होता है तब यहां पर दो तरह के पदार्थ देख रहे होते हैं, एक वो ठोस पदार्थ और दूसरा वो जो उनके साथ जुड़ने वाली हैं, ये जुड़े हुए पदार्थ हैं। तो इनको कैसे समझेंगे, कौन सी चीज क्या है? जो पदार्थ अधिशोषित करती हैं, जोड़ती हैं, उस ठोस पदार्थ को हम कहेंगे अधिशोषक या एड्सॉर्बेंट। अधिशोषक या एड्सॉर्बेंट, वे ठोस पदार्थ जिनसे कोई पदार्थ अधिशोषित होती है उनको कहेंगे एड्सॉर्बेंट या अधिशोषक, और जो पदार्थ उस पर अधिशोषित होती हैं ये उसको कहा जाएगा अधिशोष्य या एड्सॉर्बेंट। जो अधिशोषित करती हैं एड्सॉर्बेंट यानी अधिशोषक, और जो अधिशोषित होती हैं उनको कहा जाएगा अधिशोष्य। इस तरह से दो प्रकार के पदार्थ आपके पास हुए। तो अधिशोषण में दो तरह के पदार्थ हुए, अधिशोषक एंड अधिशोष्य। ठीक है, मतलब चारकोल के द्वारा अगर किसी गैस को अधिशोषित किया जा रहा है तो चारकोल यहां पर अधिशोषक होगा, एड्सॉर्बेंट होगा, और वो गैस अधिशोष्य होगा। बात समझ में आ रहा होगा? थोड़े से रैपिड फास्ट जल्दी रिवीजन कर लीजिए, फटाफट हो जाएगा आपका रिवीजन। चलो, यहां पर एग्जांपल में बताया गया है कि यहां पर कुछ एग्जांपल बताया गया है अधिशोषक का, जैसे सिलिका जेल, सक्रिय चारकोल, एल्यूमिना जेल, मुल्तानी मिट्टी, सूक्ष्म विभाजित कुछ धातुएं जैसे निकेल वगैरह है, निकेल है, प्लेटिनम है, ये सब धातुएं क्या करती हैं, दूसरे गैसों को अधिशोषित कर लेती हैं। ये सब पदार्थ जो है, सिलिका जेल जो है जल के अणुओं को अधिशोषित करती हैं, सक्रिय चारकोल जो है वो अक्रिय गैसों को या गंध युक्त गैसों को अधिशोषित करती हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। यहां पर नीचे जाते हैं तो देखिए अधिशोष्य यानी जो अधिशोषित होती हैं वो क्या है, जल वाष्प है, हाइड्रोजन गैस है, इंक वगैरह है, कलर है, वो अधिशोषित हो जाती हैं। तो आप समझेंगे, यहां पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, सक्रिय चारकोल को अगर आपने पानी में थोड़ा बहुत इंक गिरा दिए हो तो उसका इंक हटाना चाहते हो, कलर हटाना चाहते हो, तो एक्टिवेटेड चारकोल जिसको हम एनिमल चारकोल कहते हैं या बोन चारकोल कह सकते हैं या हड्डी का चारकोल कह सकते हैं, इनको आप डाल दो थोड़ी देर के लिए, आप देखोगे कि इंक, वो जो इंक पानी में गिर गया है वो पानी से वो चारकोल में चला जाएगा और वो पानी पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, उन्होंने इंक को चारकोल ने अधिशोषित कर लिया है। अब चलते हैं आगे, अधिशोषण का कुछ एग्जांपल हम देख लें। सिलिका जेल जल वाष्प को अधिशोषित करती है, ये क्या चीज है, अधिशोषक है, अधिशोष्य है ये। प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करती है, चारकोल का पाउडर, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अधिशोषित करती है, क्लोरीन गैस है, अमोनिया गैस है, SO2 गैस को अधिशोषित करती है। इसी तरह से कार्बनिक रंजक जैसे मेथिलीन ब्लू है, मेथिलीन ब्लू को चारकोल अधिशोषित कर सकती हैं। शर्करा, आप जानते हो कि जो गन्ने का जूस होता है वो एकदम क्लियर पारदर्शी नहीं दिखाई देता है, अगर उसमें जंतु चारकोल यानी कि हड्डी का चारकोल डाल दिया जाए तो उसका रंग उड़ जाएगा। शक्कर उद्योगों में इस चीज का उपयोग किया जाता है, जो गन्ने का जूस होता है, गन्ने का रस होता है, उसको उनके जो अशुद्धियां उनको छान लिया जाता है, फाइनली वो बहुत ही साफ सुथरा नहीं दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद फाइनल हम क्या करते हैं, उसमें हड्डी का चारकोल मिला देते हैं। हड्डी का चारकोल मिला करके कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसमें जो कलर होता है, गंदगी वाली कलर, वो चारकोल के द्वारा सोख ली जाती है और इस तरह से उसका रंग उड़ जाता है। तो इस तरह से यहां पर बोला गया है जो अपरिष्कृत शर्करा है या रॉ शर्करा है यानी शक्कर है, उससे उसके जली विलयन में हम चारकोल डाल देते हैं तो उसका रंग जो है हट जाती है और वह चारकोल, वह जो शक्कर है वह रंगहीन हो जाता है। इस तरह से चारकोल ने अधिशोषित कर लिया रंगीन पदार्थ को। तो यह है कुछ एग्जाम्पल अधिशोषण का। आपने याद हो गया होगा क्या है, मैं लास्ट में आपको एक हल्का रिवीजन और दे दूंगा तो पूरी पूरी बातें याद हो जाएंगी।
अब बेटा यहां पर यह समझना है, एक क्वेश्चन यहां पर भी आता है कि एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में अंतर क्या है, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्या है। कुछ सिंपल मैं अंतर यहां पर आपको समझा देता हूं ताकि वो बातें आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखें, अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, जैसे कि आप जानते हैं कि ठोस की सतह पर अन्य पदार्थ का संयोजन अधिशोषण कहलाता है। अवशोषण ठोस के सतह एवं आंतरिक भागों में भी किसी अन्य पदार्थ का संयोजन अवशोषण कहलाता है, यानी ये पृष्ठीय घटना है, सरफेस फिनोमिना है, जबकि ये बल्क है यानी कि आंतरिक घटना है, भीतरी घटना है। दूसरी बात है, ये प्रारंभ में तीव्रता से होता है, बाद में धीमी पड़ जाती है। अंतर ध्यान रखिएगा, अधिशोषण क्या होता है, पहले क्या होता है, बहुत ही तीव्र होता है, स्पीड से होता है, और बाद में धीमी होती जाती है, जबकि जो अवशोषण है वो प्रारंभ से अंत तक समान गति से होता है, उनका वेग समान होता है। फिर देखें, साम्यावस्था आसानी से बहुत कम समय में प्राप्त हो जाता है, यानी कि बहुत जल्दी अधिशोषण हो जाता है, अधिशोषण होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जबकि अवशोषण होने में बहुत अधिक समय लगता है। अंतर समझ में आ रही है, तीन अंतर समझ में आ गया, पृष्ठीय घटना है, पहले तेजी से होता है फिर धीमी पड़ जाती है, ये समय बहुत जल्दी से अधिशोषण हो जाता है, और लास्ट देखें चौथा अंतर हम देख लें, अधिशोष्य को अधिशोषक से अलग करना, मतलब जो पदार्थ अधिशोषित हुई है, ये गैस आया हुआ है, उनसे अलग करना बहुत आसान होता है, अधिशोषित हो गई, गर्म कर दो, वो गैस अलग हो जाएगा तुरंत, लेकिन अवशोषण से उस पदार्थ को अलग करना एक पूरी विधि का उपयोग करना पड़ता है, यानी कि उतना आसान नहीं होता है। अधिशोषक से अधिशोष्य को अलग करना आसान है, जबकि अवशोषक से अवशोष्य को अलग करना कठिन होता है। तो इस तरह से आपने यहां पर चार अंतर मैंने यहां पे बताए हैं, ये चार अंतर आपको याद हो गया होगा। इसी तरह से हम इसी तरह से रिविजन करते जाएंगे और हम देखेंगे कि काफी चीजें आपको याद हो जाएगा। मैंने तीन क्लासेस आपको देने हैं और वो तीनों क्लासेस आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलो आगे चलते हैं। अब हमने अधिशोषण पढ़ा है एक शब्द, अब यहां पर दूसरा शब्द है विशोषण। अधिशोषण यानी एड्सॉर्प्शन मतलब हुआ कि किसी पदार्थ को सतह पर संयोजित करना, किसी अन्य पदार्थ को जोड़ना। यहां पर विशोषण का मतलब क्या हुआ, जिसको डिसॉर्प्शन कहते हैं, विशोषण डिसॉर्प्शन मतलब यह हुआ अधिशोषण की विपरीत घटना को, अधिशोषण की विपरीत घटना को क्या कहेंगे, डिसॉर्प्शन कहेंगे, विशोषण कहेंगे। यानी देखो हमने यहां पर लिखा है, किसी अधिशोषित पदार्थ को पृष्ठ से हटाना विशोषण कहलाता है। यहां पर इस बात पे ध्यान दें कि मान लेते हैं हमने कहा कि नारियल का चारकोल कम तापमान पर अक्रिय गैसों को अधिशोषित कर लिया है, संयोजित कर लिया है, तापमान बढ़ाएंगे तो वह गैस निकल जाएगी, यह विशोषण हुआ। अधिशोषण गैस को जोड़ना और गैस को अलग करना विशोषण कहलाता है। तो इस तरह से विशोषण हुआ। दूसरा एक शब्द और आता है हमारे पास, वो है शोषण, जिसको जॉप्शन कहते हैं, और एक शब्द आता है अधिधारण, जिसको कहते हैं ऑक्यूलेशन। ये दो शब्दों को आप ध्यान से समझे, बहुत ही छोटी सी बात है। वह घटना जिसमें अधिशोषण के साथ साथ अवशोषण होता है, अधिशोषण मतलब समझ में आया ना, सतह पर जुड़ना, और अवशोषण मतलब अंदर जाना, जब दोनों साथ साथ हो तो उनको शोषण कहेंगे, यानी कि कहेंगे जॉप्शन। अधिशोषण एक अलग घटना है, अवशोषण एक अलग घटना है, लेकिन दोनों घटना साथ साथ हो जाए तो उसे कहा जाएगा शोषण, जॉप्शन। अब समझेंगे ऑक्यूलेशन क्या है, उसके बारे में जस्ट मैं लास्ट में बताऊंगा इनके बारे में, समझे। एक एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन गैस जो है चारकोल की सतह पर एकत्र हो जाती है, इस घटना को क्या बोलेंगे, अधिशोषण कहेंगे। चारकोल हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करती है, पहले अधिशोषित करती है, अधिशोषित जब वो गैस हो जाती है, कुछ ऐसे समझेंगे, ये चारकोल है और ये हाइड्रोजन गैस को पहले, ये हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन गैस को अपनी सतह पर जोड़ लेगा, अधिशोषित कर लेगा। जब यह अधिशोषण की क्रिया कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे कुछ अणुवें अंदर आने लग जाती हैं,
इस तरह से अंदर भी क्या होने लगता है, अवशोषण होने लगता है। तो दो घटना एक साथ हुआ, पहले अधिशोषण हुआ फिर अवशोषण हुआ, तो इस घटना को कहा जाता है जॉप्शन या शोषण। बात समझ में आ गई होगी आपको, जॉप्शन किसे कहते हैं, अवशोषण क्या बोलते हैं, शोषण किसे कहते हैं। अब मेरी बात समझेंगे, यहां पर कुछ और एक बात आपके लिए है स्पेशल, वो है यहां पर, इस जगह पर, यहां पर गैसों का धातुओं द्वारा शोषण, चारकोल के द्वारा हुआ तो हमको शोषण ही बोलेंगे, लेकिन अगर कोई मेटल है कोई धातु है उनमें यही शोषण की क्रिया हो रही हो तो उसके लिए हम एक अलग शब्द यूज करते हैं, ऑक्यूलेशन यानी अधिधारण। धातु पर शोषण की क्रिया होती है उसे अधिधारण या ऑक्यूलेशन कहते हैं। पैलेडियम हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, शोषण करती है, तब उसको कहा जाएगा सिर्फ अधिशोषण ना कह करके या अवशोषण ना कह करके या शोषण शब्द ना कह करके इसको कहा जाएगा अधिधारण, यानी कि क्या, ऑक्यूलेशन कहा जाएगा। मुझे लगता है कि यह बात आपको क्लियर हो चुका होगा, मैंने यहां पर आपको क्या बताया, बिल्कुल ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये बातें आपको याद हो जाएंगा फिर, चलिए ले लिए, ओके चलो ले लो, ये लो अब ले लो, हाँ चलो अब आगे चलते हैं। एक शब्द, एक प्रश्न आया हुआ है, ये सीबीएसई में भी क्वेश्चन आया हुआ है और नॉर्मली कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है कि अधिशोषण एक उष्माक्षेपी क्रिया है, समझाइए। इसका जवाब यहां पर मिलेगा आपको, हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, अधिशोषण की उष्माक्षेपी प्रकृति को समझाएंगे। अधिशोषण एक उष्माक्षेपी क्रिया है, इसके लिए कुछ बातों पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर जब अधिशोषण होता है ना, अधिशोषण होने पर अधिशोषक की सतह पर उपस्थित अवशिष्ट बल, जिसको रेसिड्यूल फोर्स कहते हैं, या यूं कह सकते हैं अधिशोषक पर उपस्थित जो संयोजकताएं होती है, मुक्त संयोजकताएं जो होती हैं, वो उसमें कमी आ जाती है, यानी कि उसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ जाता है, जुड़ने लग जाता है, तो क्या होगा, वह बल जो है वो घटने लगेगा, जिससे क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होगी, जिसकी वजह से ऊष्मा मुक्त होना यानी कि ऊष्माक्षेपी क्रिया होगी। मेरी बात समझोगे, एक बार मैंने जो कहा उसको ध्यान से सुनिएगा, अधिशोषक की सतह पर उपस्थित आकर्षण बल जो है किसी न किसी, मतलब अधिशोष्य को या एड्सॉर्बेंट को क्या करती है, जोड़ती है, तब एक तरह का बंद बनता है और इस बंद के बनने से कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, इस कारण से ये क्या हुआ, उष्माक्षेपी क्रिया होता है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। जब कोई बंद बनता है तो उस तंत्र की ऊर्जा में कमी आ जाती है, जब कोई बंद बनता है तो उस सिस्टम की ऊर्जा में कमी आ जाती है और उसके ऊर्जा में कमी होने से वह उस ऊर्जा को उष्मा के रूप में प्रदान करता है और उष्मा के रूप में प्रदान करता है, इसका मतलब यह हुआ कि वह क्या हुआ, उष्मा मुक्त करती है। इस तरह से किसी अधिशोषक की सतह पर एक अणु अधिशोषित होने से, यहां पर हम एक शब्द और पढ़ेंगे, अधिशोषण एंथैल्पी क्या है, यह समझोगे, अधिशोषक की सतह पर अणु का संयोजन होने पर जितनी उष्मा मुक्त होती है उस उष्मा को या उस एंथैल्पी को हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन कहते हैं, अधिशोषण उष्मा कहते हैं। एक्चुअली मोल से संबंधित होता है कि किसी अधिशोषक पर एक मोल अणुओं के संयोजन से जितनी उष्मा मुक्त होती है उसे उसका अधिशोषण एंथैल्पी कहते हैं। एक अणु से नहीं है, तात्पर्य यहां पर होगा किससे, एक मोल, एक मोल अणु पर कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रह जाएगा, और इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मैंने एक बात बताया कि जब अधिशोषक पर अधिशोष्य की अणुएं जुड़ती हैं तो अधिशोषण होने पर उसकी ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वह ऊर्जा मुक्त करती है और इस कारण से वह उष्माक्षेपी क्रिया होता है।
क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अधिशोषण की विशेषताएं, अधिशोषण की क्या विशेषताएं होती हैं इनको थोड़ा सा समझेंगे। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें रखना चाहिए। क्या है अधिशोषण? एक स्वतः प्रक्रम है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको किसी तरह के फोर्स लगाने पड़ते हैं, बल लगाने पड़ते हैं। अगर किसी पदार्थ में अधिशोषण करने की क्षमता है तो वो अन्य पदार्थ को अधिशोषित करेगा। तो अधिशोषण एक स्वतः क्रिया है, स्वयं चलने वाली क्रिया है जो कि तुरंत संपन्न हो जाता है। दूसरी बात है कि आप तो ये बात जानते ही हैं कि अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, सरफेस फिनोमिना है, यानी कि ठोस की सतह पर ही या द्रव की सतह पर ही संपन्न होता है। ये स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम और स्वतः एक ही शब्द है। स्वतः प्रवर्तित मतलब ऐसा हुआ कि सेल्फ होता है, यानी कि इसकी डेल्टा जी यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी जो होता है वो निगेटिव आएगा। ठीक है, दूसरी बात है ऐसा होने पर एंट्रोपी में कमी आता है। एंट्रोपी में कमी मतलब जो अणुएं गतिशील हैं, गैस के अणुएं जब ठोस की सतह पर जब आकर के जुड़ेंगी तो वो स्थिर हो जाएगा, तो उसकी जो अनियमितताएं हैं वो कम हो जाएंगी। इससे क्या हुआ, जो अणुएं जब दूर दूर थी घूम रही थी तो उसकी ऊर्जा ज्यादा थी, जब आकर के इसके साथ जुड़ गई तो उसकी ऊर्जा में कमी आ गई। इसी कारण से वो ऊष्मक्षेपी भी होता है और यहां पर उसकी एंट्रोपी में कमी आ जाता है। यही कारण है कि वह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कुछ बातें याद रखेंगे, स्वतः प्रवर्तित या स्वतः होने वाली घटना है, पृष्ठीय घटना है, एंट्रोपी में कमी आती है और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। हम ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के समय हम दो बातें कर सकते थे कि एक तो एंट्रोपी में कमी आ जाती है गैस की अणुओं का जब अधिशोषण होता है तो इस कारण से ऊष्मा मुक्त होती है, और दूसरा ये कि जब ये बंध बनाती है तो इस समय ऊर्जा मुक्त होती, यानी कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाओं के लिए दो बातें हम कह सकते हैं। चलें नेक्स्ट, बात समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा। आपके साथ नोट्स भी लिखा हुआ है सो आप इन बातों को लिख सकते हैं एग्जाम में अपने। अब समझेंगे अधिशोषण के प्रकार, यानी एड्सॉर्प्शन के दो प्रकारों के बारे में समझेंगे। एड्सॉर्प्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक अधिशोषण जिसको फिजिकल एड्सॉर्प्शन कहते हैं या फिजोसॉर्प्शन कहते हैं, और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण जिसको कहते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन या लैंगमेर एड्सॉर्प्शन भी कहा जाता है। तो अधिशोषण दो प्रकार का पढ़ेंगे आप लोग, वो है पहला है भौतिक अधिशोषण और दूसरा रासायनिक अधिशोषण। चलें आगे, भौतिक अधिशोषण, इसको वंडरवॉल्स अधिशोषण भी कहते हैं, वंडरवॉल एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं या फिजिसॉर्प्शन भी कहा जाता है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिजिसॉर्प्शन कहा जाता है भौतिक अधिशोषण। इस शब्द पे लिखा हुआ है भौतिकी रूप से, यानी कि यहां पर कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होगा। इस जगह पर इस शब्द पे ध्यान देना, दुर्बल वंडरवॉल बंध। जब अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वंडरवॉल बल या बंध बनता है तो इस प्रकार के अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं, फिजिसॉर्प्शन कहते हैं। याद रखना दुर्बल वंडरवॉल्स आकर्षण बल, भौतिक बल। भौतिक अधिशोषण की खास बात यह हुई, एक बात तो यह हुआ, दूसरी बात यह होगी जब ताप बढ़ाया जाता है तो यह अधिशोषण घटेगा। दूसरी बात है प्रेशर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे, गैस का दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी। और चौथी बातें हैं ये उत्क्रमणी है, मतलब जब हम दो बातें हुआ, प्रेशर बढ़ाएंगे तो अधिशोषण बढ़ जाएगा, प्रेशर घटाएंगे तो अधिशोषण कम हो जाएगा। यानी ये आसानी से होने वाली घटना है अधिशोषण जो है। यस, तो याद रखिएगा ये उत्क्रमणी होता है, ये दोनों दिशाओं में चलने वाली घटना है। कुछ एग्जांपल दिया गया है, जंतु चारकोल के द्वारा गैसों का अधिशोषण होना, नाइट्रोजन गैस का माइका के द्वारा अधिशोषण होना, कुछ एग्जांपल दे दिया गया है, भौतिक अधिशोषण का एग्जांपल है। चलें आगे, रासायनिक अधिशोषण जिसको कहा जाता है केमिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन
या लैंग्वेज एडजॉप्शन या केमिजॉप्शन कहा जाता है। यहां पर क्या होता है, अधिशोषक और अधिशोषक के मध्य प्रबल रासायनिक बंध बनते हैं, यानी हम यहां पर कहेंगे वह अधिशोषण क्रिया जिसमें अधिशोषक और अधिशोषक के मध्य प्रबल रासायनिक बंध। रासायनिक बंध क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तब इसे कहा जाता है रासायनिक अधिशोषण। यह बहुत स्ट्रांग होगा। सो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, यानी एक तरह का रासायनिक क्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है। इस जगह पर देखें, एक तो बात हो गया यहां पर कि यह कैसा होगा, प्रबल रासायनिक बलों के द्वारा बंधा होता है। दूसरी बात होगी ताप में वृद्धि करने पर यह बढ़ता है भौतिक अधिशोषण में। देखो पहला अंतर देख लो, अंतर यहीं पे, क्वेश्चन ये भी आता है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर क्या है, तो आपने भौतिक अधिशोषण के याद करो, उसमें दुर्बल वंडरवॉल बंड बनता है, यहां पर प्रबल रासायनिक बंध बनता है। दूसरी बात है यहां पर ताप में वृद्धि, वहां पर वहां पर क्या, ताप में वृद्धि से क्या होता, घटता था वो अधिशोषण, जबकि ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ती है और अधिशोषण बढ़ता है। तीसरी बातें हैं, दाब बढ़ाने पर ये बढ़ता है, वो भी बढ़ता था ये भी बढ़ता है, दाब का प्रभाव यहां पर अंतर नहीं आया। फिर देखेंगे चौथा, अनुत्क्रमणी इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल था वो, ये इरिवर्सिबल है, मतलब एक ही दिशा में होने वाली घटना है। एक एग्जाम्पल देख लें, प्लेटिनम धातु पर हाइड्रोजन गैस अधिशोषित होती है जो कि एक तरह का रासायनिक बंध होता है, यानी कि केमोजॉर्प्शन होता है। तो हमने अधिशोषण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, हमने यहां पर देखा। आगे चलते हैं कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठोस के द्वारा गैसों का अधिशोषण, ठोस के द्वारा गैस की अणुओं का अधिशोषण हमारा कोर्स का महत्वपूर्ण भाग है। तो इनके बारे में हम कुछ जानकारियां हम हासिल करते हैं, इनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, प्रभावित करने वाले कारक। इफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं, ठोस पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए कौन कौन सा फैक्टर है जो प्रभावित करती हैं। सबसे पहला है जो गैस है उसकी प्रकृति को लेकर चलते हैं। गैस के बारे में जानते हो, कुछ गैसें ऐसी होती हैं जिन पर प्रेशर लगाने पर आसानी से लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है, या यूं कह सकते हैं कुछ गैसें ऐसी होती है कम ताप पर टेम्परेचर को डाउन कर दें और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो आसानी से लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। कुछ गैसें ऐसी होती कि बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे तब जाकर के होती हैं, यानी एक होता है आसानी से द्रव में परिवर्तित होने वाला और एक होता है आसानी से द्रव में परिवर्तित नहीं होने वाला। जैसे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस पर बहुत उच्च ताप लगाएंगे यानी कि वो आसानी से क्या, द्रव में नहीं परिवर्तित होती है। अक्रिय गैसें आसानी से द्रव में परिवर्तित नहीं होती हैं, क्लोरीन है आसानी से द्रव में परिवर्तित नहीं होती है, फ्लोरीन है आसानी से द्रव में परिवर्तित नहीं होती है। तो ऐसी गैसें जो आसानी से द्रव में परिवर्तित नहीं होती हैं, उन गैसों का अधिशोषण आसान नहीं होता है। लेकिन जो गैसें आसानी से द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं उनका आसानी से अधिशोषण होता है, यही बात कहा गया है यहां पर। देखें, सरलता से द्रवित होने वाले गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, SO2 का अधिशोषण अधिक होता है। सरलता से अधिशोषित होने वाले गैसों का सरलता से द्रवित होने का वाले यानी लिक्विफाई होने वाले गैसों का अधिशोषण ज्यादा सरलता से होता है, ज्यादा आसानी से होता है। क्यों ऐसा होता है, इसका कारण भी नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि सरलता से जो गैसें द्रवित होती हैं उनके अणुओं के मध्य वंडरवॉल बल होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अणुएं जब द्रवित होती हैं तो उनके बीच क्या हो, वो तो सॉलिड भी बन जाता है, अमोनिया द्रवित होती है, SO2 द्रवित होती है, तो क्या होता है उनके मध्य वंडरवॉल बॉन्ड स्थापित हो जाता है खुद के अणुओं के मध्य। तो जो अधिशोषक है जब उनको अधिशोषित किया जाता है तो उनके अणुओं के मध्य भी अधिशोषक और इन गैसों के अणुओं के मध्य भी वंडरवॉल बॉन्ड बहुत आसानी से स्थापित हो जाते हैं, इसी कारण से इनका अधिशोषण होता है। आप नोट कर सकते हैं, छोटी सी बात है।
रिवीजन में थोड़ा सा हम स्पीड लेके चलते हैं, लेकिन आपको पूरी कंटेंस भी चाहिए, सो आपके सामने ये रखा हुआ है, आपको लिखाऊंगा नहीं बोल के, जैसे कि कई वीडियो में मैं लिखाता हूं, आपको यहां पर लिखा हुआ मिलेगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए देख लें, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर याद कर लीजिए। मैं पूछूंगा आपसे कि किस प्रकार की गैस आसानी से अधिशोषित होती हैं, एड्सॉर्ब होती हैं, तो आपके पास जवाब मिल गया कि वो गैस जो आसानी से द्रवित होती हैं। तो द्रवित होने वाली गैस क्यों आसानी से एड्सॉर्प्शन हो जाता है, तो आप क्या जवाब देंगे, क्योंकि उन गैसों के अणुओं के मध्य दुर्बल वैन डेर वाल्स बॉन्ड आसानी से या सरलता से स्थापित हो जाती हैं। याद हो रहा है पूरी बातें, चलो आगे चलते हैं कि अधिशोषण को प्रभावित करने वाले दूसरा कारक क्या होगा। अभी एग्जाम की तैयारी चल रही है और एग्जाम की तैयारी में आप भिड़े हुए हैं, बस परेशानी यह हो रहा है कि हर बार कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसको बनाने में, जिसको सॉल्व करने में पसीने छूट जा रहे हैं, यानी कि वो क्वेश्चन बन नहीं रहा है, डाउट आ गया। इस डाउट को दूर कैसे करेंगे, इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, नंबर है 8400 400 400 8400 400 400 पर। अब व्हाट्सअप करिए, उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, व्हाट्सअप में क्रॉप करिए जितना क्वेश्चन है और फिर सेंड कर दीजिए, बस थोड़ी समय में आपके पास उसका आंसर आपके पास अवेलेबल होगा, और जरूर बताना कि वो आंसर राइट आया है कि रॉन्ग आया है, क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल, चलिए व्हाट्सअप करिए आपके डाउट। सेकेंड फैक्टर है अधिशोषक, यानी कि ठोस की प्रकृति और उसके उसके सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड सरफेस एरिया। सिंपल से एक बात कहें, समझेंगे इस चीज को, कि अगर कोई ठोस है इस साइज का है तो उनका सरफेस इतना ही नजर आएगा, इसी साइज के इस ठोस को अगर आप तोड़ देते हो दो भाग में तो आपको क्या दिखाई देगा। देखो, अगर आपने इसको तोड़ दिया इस तरह से दो पार्ट में तो आप क्या नजर आ रही, देखिएगा, ये देखिएगा क्या नजर आ रहा है, ये सरफेस उतना ही है, ये सरफेस उतना ही, कुछ नए सरफेस और पैदा हो गए, यानी आप इसको जितना तोड़ते जाओगे, जितना इसको काटते जाओगे और उसको अगर पाउडर के रूप में ले लोगे तो क्या होगा, इसके सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जितनी ज्यादा उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, सरफेस बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसके द्वारा अधिशोषित होगी गैसें। या क्यों यहां पर लिखा है, अधिशोषक का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वो उतना ही अधिक गैसों को अधिशोषित करेगा। तो क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस ठोस पदार्थ को हम क्या कर दें, देखो कठोर एवं रंध्रहीन, यानी जिसमें एकदम कॉम्पैक्ट है, कोई मेटल लेते हो एकदम कॉम्पैक्ट है, उसमें बिल्कुल कहीं पे छेद वेद कुछ नहीं है, तो वो कम गैसों को अधिशोषित करेगा। लेकिन वो ब्रेड की तरह, या फिर आपने एकदम सिंपल सा एग्जांपल देख लो, आप जो हमारे घरों में रोटी बनती है उसको चाय में डुबा के जब निकालते हो तो आपने देखा वो अंदर चाय पानी उसके अंदर चाय कम जाती है, लेकिन ब्रेड में देखो कितनी सारी छेद होती है, जब टोस्ट या उस ब्रेड को डुबा के आप निकालते हो चाय से तो कितनी ज्यादा उसके अंदर चाय चली जाती है। क्या समझ में आया, जितना ज्यादा उसमें छेद होगा, रंध्र होगा, पोर्स होगा, वो उतने ही ज्यादा चाय को अवशोषित किया, वैसे ही जो जिसमें रंध्र होते हैं, पोरस होता है, वो ज्यादा गैसों को अधिशोषित करेंगी। यहां पर यही बात लिखा गया है, कठोर एवं रंध्रहीन पदार्थ की तुलना में सरंध्र यानी कि पोरस जिसमें छेद होते हैं और बारीक चूर्ण के रूप में लिया जाता है, ऐसे ठोस अधिक क्या करेगा, गैसों को अधिशोषित करेगा। ऐसा क्यों करेगा, अच्छा कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे निकल है, निकल को हम जब से क्या रैने निकल बोलते हैं, रैने निकल क्या होता है, सूक्ष्म रूप से वितरित रहता है, यानी कि छोटे छोटे उसमें छिद्र होते हैं। इसी तरह से चारकोल, आपने वो कोयला तो देखे होंगे, काफी छेद होते हैं उसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर अगर पानी में डुबा के निकालो चारकोल को तो पानी अंदर चला जाता है, तो इसमें भी काफी छेद होते हैं, आपने देखा होगा। मुल्तानी मिट्टी, ये सब में क्या होते हैं, अधिशोषण क्षमता अधिक होती है, इसलिए उसके पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण वो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगी, अधिशोषित करेंगी। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा वो गैसों को अधिशोषित ज्यादा करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए सरफेस ज्यादा तो सरफेस पर अणुवे ज्यादा, और सरफेस पर अणुवे ज्यादा तो उसकी मुक्त संयोजकताएं ज्यादा, और मुक्त संयोजकताएं ज्यादा तो ज्यादा से ज्यादा गैसें उनके साथ जुड़ेंगी।
बात समझ में आ गया होगा कि यहां पर मुक्त संयोजकताएं अधिक हो जाती हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से मुक्त संयोजकताएं बढ़ जाती हैं और इस तरह से अधिक गैसों को अधिशोषित करती हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल बढ़ेगा, सरफेस क्षेत्रफल बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो गैसों को ज्यादा से ज्यादा वो अधिशोषित करेंगे, क्योंकि इससे उसकी मुक्त क्षेत्र मुक्त संयोजकताएं जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ और बातें, अधिशोषित गैस की परत की मोटाई, यहां पर बोलने की कोशिश किया गया है। एक तो समझ में आ गया, पहला तो आपने देखा है कि गैस की प्रकृति, अब दूसरा देख रहे हैं अधिशोषक की क्षेत्रफल, और तीसरा देख रहे हैं हम लोग अधिशोषित गैस की परत की मोटाई। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठोस की सतह पर दूसरी गैस अधिशोषित हुई है, अब समझेंगे इसकी मोटाई क्या होगी, यानी कि इसके ऊपर कितनी परत चढ़ सकती हैं, एक परत, दो परत, तीन परत, चार परत, कितनी चरत पर चढ़ सकती हैं, जरा समझेंगे। कम दाब पर भौतिक अधिशोषण में एक परत ही चढ़ती हैं, दाब कम रहा तो कम से कम गैस उसके ऊपर अधिशोषित होगी, एक परत ही होगा, लेकिन अधिक दाब पर बहु आणविक परत बन जाती, यानी कि उसके ऊपर कई लेयर्स लग जाते हैं, मल्टी लेयर्स, इसमें अधिशोषण हो जाता है, एक के ऊपर एक दाब बढ़ाते जाओगे अधिशोषण बढ़ते जाएगा, उसके ऊपर सतह पर बढ़ते जाएगा। लेकिन रासायनिक अधिशोषण केवल एक परत ही होता है, उससे अधिक नहीं होता है, एक आणविक परत होता है रासायनिक अधिशोषण में। भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक की सतह पर कम दाब पर एक परत अधिशोषण होगा, दाब बढ़ाएंगे कई परत से अधिशोषण हो जाएगा। दूसरी बात, रासायनिक अधिशोषण में कभी भी बहुपरती अधिशोषण नहीं होता है, तो एक अंतर और आपको पता चल गया भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के अंदर। बेटा आप इसका जो है अंतर वाला पोर्शन आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने इसमें नहीं दिया है, लेकिन अंतर आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार आप रिवाइज कर जरूर लीजिएगा। तो चलें अब पढ़ते हैं यहां पे तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, अधिशोषण पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, जरा समझेंगे। एक शब्द है, मैं आपको इसको समझा दूं, यहां पर x बाई एम लिखा हुआ है, इसकी भी बात समझ लें, x बाई एम अधिशोषक, ये अधिशोषक शब्द है ना, ध्यान रखना। आप जानते हो कि तापमान का क्या प्रभाव, ये उष्माक्षेपी क्रिया है, यानी कि इस क्रिया में जब अधिशोषण होता है तो उष्मा निकलती है। आपने ली शातिलय का नियम पढ़ा होगा, ऐसी कोई क्रिया जिसमें आपने पढ़ा होगा कि जो भी साम्यावस्था स्थापित रहता है उसके बारे में यह ली शातिलय का नियम है, ली शातिलय लॉ है, उसमें क्या कहा गया है कि साम्यावस्था में स्थापित किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि ताप दाब सांद्रता में कोई परिवर्तन किया जाए तो परिवर्तन उस दिशा में अग्रसर होगी कि किया गया परिवर्तन प्रभावहीन हो जाए। यह बड़ी लंबी बात हो गई, अगर आप ये बात ना समझ में आए तो मैं कहूंगा उष्माक्षेपी क्रिया है तो उसका तापमान कम करेंगे तो ज्यादा अधिशोषित होगी, उष्मा शोषी होगा तो तापमान को बढ़ाएंगे तो ज्यादा होगा, यानी कोई रासायनिक क्रिया ऐसी है जिसमें उष्मा निकलती है तो उसे ठंडा करना पड़ेगा, उष्माक्षेपी के लिए क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, उष्माशोषी के लिए गर्म करना पड़ेगा। तो यह कैसी क्रिया है, उष्माक्षेपी है तो ठंडा करना पड़ेगा, यानी कि तापमान को कम करेंगे तो ज्यादा अधिशोषित होगी, तापमान को कम करेंगे तो ज्यादा अधिशोषित होगी, यह बात यहां पर क्लियर लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूं। अधिशोषण एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है, चूंकि यहां पर देखें ली शातिलय के नियमानुसार ताप में वृद्धि करने से अधिशोषण कम हो जाता है, कौन सा वाला में, उष्माक्षेपी क्रिया में ताप में वृद्धि करेंगे तो अधिशोषण कम हो जाता है। तो यहां पर देखेंगे स्थिर दाब पर अधिशोषक की मात्रा और ताप के मध्य खींचे गए ग्राफ को अधिशोषण समदाबी वक्र कहा जाता है, यह अधिशोषण समदाबी वक्र है, यानी कि यहां पर दाब स्थिर है
यहां पर हम किसके किसके मध्य ले रहे हैं, कितनी मात्रा गैस की अधिशोषित होती है। अब यहां पर थोड़ा सा बता दूं, अधिशोषित हुई गैस की मात्रा को हम एक्स से दर्शाएंगे और अधिशोषक की मात्रा को हम यहां पर एम से दर्शा रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है अधिशोष्य गैस की मात्रा है, अधिशोष्य की मात्रा, ये गैस की मात्रा है और ये अधिशोषक की मात्रा यानी कि उस ठोस अधिशोषक की मात्रा है। तो x बाई एम एक निश्चित मात्रा में, अधिशोषक की एक निश्चित मात्रा में x यानी गैस कितनी कितनी अधिशोषित होती है। तो इसको हम इस तरह दर्शाते हैं, x बाई एम के बेस पर दर्शाते हैं। तो अधिशोषित हुई गैस की मात्रा कितनी होगी टेम्परेचर के बेस पर। देखो इस ग्राफ को ले लें, ये टेम्परेचर तापमान, तापमान बढ़ाते जा रहे हैं, तो अधिशोषित हुई पदार्थ की मात्रा क्या होगी। देखें जैसे जैसे अपना तापमान आप बढ़ाते जाओगे, तापमान बढ़ाते जाओगे, अधिशोषित होने वाली गैस कम तापमान पर ज्यादा अधिशोषित है, अधिक तापमान पर कम अधिशोषित है। अभी बोला था तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण घटेगी, सो ये क्या होने लगा, देखो ये ऐसे ग्राफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब तापमान बढ़ाते जा रहे हैं, अधिशोषण कम होते जा रहा है, मतलब ग्राफ आपका कुछ ऐसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तापमान बढ़ाते जाएंगे, अधिशोषण कम होते जा रहा है, यानी कि तापमान घटाते जा रहे हैं। हेलो, उल्टा समझ लो, तापमान घटाते जाओ पदार्थ की मात्रा ज्यादा, घटाते जा रहे हो पदार्थ की मात्रा ज्यादा अधिशोषित होती जा रही है, इस तरह से ग्राफ बन रहा है। ठीक है, चलें इसमें क्या बोल रहा है, रासायनिक अधिशोषण में तापमान बढ़ाएंगे तो अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा बढ़ती जाती है और एक निश्चित तापमान के बाद फिर तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी अधिशोषण की मात्रा घटती जाएगी। तो ये दो ग्राफ आपके सामने है, इन दोनों ग्राफ को अगर आप समझते हैं तो अच्छी बात है, बहुत ही आसान सी बातें कहा गया है, तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण क्या हो रहा है, घट रहा है, ये अधिशोषण की मात्रा है, ये तापमान का बढ़ता हुआ। ओके, तो ये दो बातें हमने देखा, अब चलते हैं आगे, इसे नोट भी कर सकते हैं आप। चलिए दाब के साथ संबंध को हम यहां पर समझें और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। देखें दाब के साथ क्या संबंध है, दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी, दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, आपको इस तरह से समझना है। यहां पर मैं एक ग्राफ बना रहा हूं छोटा सा, प्रेशर और यहां पर अधिशोषित हुई मात्रा x बाई एम। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाते हो, P1 के लिए यह मान यहां पे हो गया 1 अधिशोषित मात्रा, P2 के लिए यहां पर, मतलब देखो ग्राफ किधर जाके कट रहा है, यहां पे, इधर जाके कट रहा है यहां पे, मतलब क्या हुआ, ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, मतलब दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती जा रही। अब ये इस ग्राफ के साथ कुछ बातों को हमें समझना है, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी जरूरी होता है, उन बातों को मैंने यहां पर आपके पास लिख के रखा है ताकि आपका एक अच्छा सा नोट्स भी हो और अच्छी बातें आपको समझ में आ जाए। यहां पर नोट्स इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि अभी आपका एग्जाम का टाइम है, आप इनको थोड़ा टाइम देंगे तो एकदम एक एक क्वेश्चन का आप जवाब दे सकेंगे, एक एक बातों का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए पहली बात तो समझ में आ गया होगा, ताप बढ़ाने पर, ये आपके लिए सबसे जरूरी बात लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आप आगे पढ़ना चाहे नहीं पढ़ना चाहे आप पर डिपेंड करता है। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, यानी जितना दाब लगाओगे उतना ज्यादा गैस अधिशोषित होगी। चलो स्थिर ताप पर ध्यान रखेंगे, अधिशोषक अधिशोषण की मात्रा स्थिर ताप पर, अधिशोषण की मात्रा यानी x बाई एम, अधिशोषक की मात्रा भी लिख सकते हैं x बाई एम, और दाब p के मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है उन्हें कहा जाता है स्थिर ताप यानी समताप, आइसोथर्म, समताप यानी आइसोथर्म। तो क्या बोलते हैं, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व, किसके किसके बीच हुआ, स्थिर ताप पर, जब स्थिर ताप पर जब कोई ग्राफ खींचा जाता है तो आइसोथर्म कहा जाता है, समतापी कहा जाता है, स्थिर ताप पर, समताप पर, समान ताप पर,
तापमान में परिवर्तन ना करेंगे। और स्थिर दाब पर हम इससे पहले देखे थे वो क्या था, आइसोबार, समान दाब पर, दाब में कोई परिवर्तन नहीं करते, दाब में छेड़छाड़ नहीं करते हैं। यहां पर किस में छेड़छाड़ नहीं कर रहे, ताप में नहीं कर रहे, तो किस में कर रहे, दाब में कर रहे हैं। तो दाब में वृद्धि करते जा रहे हैं तो पदार्थ की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा, दाब बढ़ाते जा रहे हैं, अधिशोषण उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है। लेकिन आप देख रहे हो कि ग्राफ को तो ऐसे जाना चाहिए था, मतलब प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा बढ़ तो रही है शुरुआत में, जितना दाब लगाओगे जितना प्रेशर लगाओगे उतना गैस अधिशोषित होती जा रही, जुड़ती जा रही है। लेकिन आप देख रहे हो कि जब प्रेशर को बहुत ज्यादा कर दिया गया, बहुत बढ़ा दिया गया, तो वो उतनी अधिशोषित नहीं कर पा रही है और अधिशोषण की मात्रा धीरे 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 कम होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण आपको यहां पर बताएंगे। और इस ग्राफ के अनुसार ये भी क्लियर है, यहां पे, यहां से इसके बाद ये स्थिर हो जाएगा, सीधा चला जाएगा ग्राफ। अब ये कैसे, इनको पूरी तरह से बात हम यहां पर समझेंगे। क्या बोला गया, स्थिर ताप पर अधिशोषक की मात्रा और दाब के मध्य खींचे गए जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ को कहा जाता है अधिशोषण समतापी वक्र या एडसॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व। आरंभ में दाब में वृद्धि करने के साथ साथ पहले तो अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा बढ़ती जाती है, लेकिन एक निश्चित दाब के बाद, निश्चित दाब के बाद उसमें दाब बढ़ाया जाए तो अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा नहीं बढ़ती, आने के बाद यह मान स्थिर हो जाता है, यानी अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा स्थिर हो जाती है। फिर क्या बोला गया, दाब के सीमित परास में अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती होता है, एक निश्चित दाब तक, एक निश्चित दाब तक, यहां तक देख लो, एक निश्चित दाब तक वो समानुपाती है। यानी कि यहां तक क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसके यहां तक आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे दाब बढ़ा रहे, प्रेशर बढ़ा रहे, वैसे से अधिशोषण की मात्रा बढ़ रही, यानी कि अधिशोषित हुए पदार्थ की मात्रा उसके दाब के समानुपाती, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, इसको ओपन करें तो x बाई एम इज इक्वल टू के पी, के कॉन्स्टेंट है, तो ये कम ताप के लिए है, ठीक है। अब तापमान को, सॉरी दाब को और ज्यादा बढ़ाया तब क्या हुआ बोलो, किंतु उच्च दाब पर यह अधिकतम मान प्राप्त कर लेता है, यानी दाब बढ़ाने के बाद, उसके बाद एक निश्चित मात्रा प्राप्त करने के बाद, यानी देखो इसके बाद इनका बढ़ना बंद हो जा रहा है, तो क्या बोला, कर लेता है, इसका कारण यह है, मतलब उसके बाद वो और भी ज्यादा मात्रा अधिशोषित नहीं होती है। बहुत उच्च दाब पर और दाब बढ़ाते जाओ और दाब बढ़ाते जाओ, और इसका मतलब यह नहीं कि बहुत ज्यादा वो अधिशोषित हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही बात है ना, शुरू में आपको किसी ने कहा ये खा लीजिए, तो आपको ऐसा है कि अरे यार ये तो बोल रहा है थोड़ा और खा लेता हूं, किसी ने और थोड़ा प्रेशराइज किया और खा लेता हूं, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन जब आपको एक निश्चित मात्रा में भोजन करने के बाद आपको कितनों भी लोग आपको प्रेशर डालें कि अब खाइए, अब नहीं खा सकते, एक प्रेशर होने के बाद वो निश्चित हो जाती है। वही बात कह रहा है कि एक निश्चित प्रेशर के बाद और ज्यादा मात्रा में गैस अधिशोषित नहीं होगी। तो देखें अधिशोषण की क्या होता है, अधिशोषण की क्या होते हैं, मुक्त संयोजकताएं, अधिशोषण की मुख्य संयोजक जो है इसको छोड़ दीजिए, अधिशोषण की मुक्त संयोजकताएं खर्च हो जाने के बाद ये संतृप्त हो जाती हैं। मतलब ये है कि आप जानते हो कि ठोस की सतह पर जितनी संयोजकताएं हैं वो क्या होगा, कम दाब पर कुछ गैसें अधिशोषित हो गई हैं, और दाब लगाया तो कुछ और संयोजकताएं बची, वो अधिशोषित हो गई, इसमें जुड़ गया है, और दाब लगाया तो और अधिशोषित हो गई, एक आध और लेयर बढ़ गया चलो अधिशोषण की। लेकिन जब हम एकदम ज्यादा प्रेशर लगाते जाते हैं तो संयोजकताएं कहीं बचती नहीं है, सो वो गैस उसके ऊपर आकर के जुड़ती नहीं है, यही कह रहा है। अतः अब और अधिक अधिशोषण संभव नहीं है। कुछ कुछ जगहों पर आप देख लीजिएगा इस तरह से इसको कहा जाता है, उस दाब को जिस दाब से लिखा है, वह अधिकतम दाब जिस दाब से और अधिक मात्रा में अधिशोषण संभव नहीं है उसको बोला जाता है संतृप्तता दाब या सैचुरेटिंग प्रेशर कहा जाता है। यस, सैचुरेटेड प्रेशर कहा जाता है, संतृप्तता दाब कहा जाता है, पीएस से दर्शाते हैं। चलिए अब कुछ एक टॉपिक और बचा हुआ है उसे कर लेते हैं। अधिशोषण से संबंधित हम सारी बातें आज ही कर लेंगे,
इसी वीडियो में। चलो आगे चले। फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, आपको मैंने बताया कि आइसोथर्म क्या होते हैं, स्थिर ताप पर जिन घटनाओं का अध्ययन करते हैं उन्हें आइसोथर्म कहते हैं। यहां पर हम स्थिर ताप पर किसी ठोस के द्वारा गैस के अधिशोषण को देख रहे हैं। स्थिर ताप पर टेम्परेचर को हमने चेंज नहीं किया, स्थिर रखा है, निश्चित रखा है, कॉन्स्टेंट रखा है, और हम इसमें प्रेशर के साथ कितनी पदार्थ अधिशोषित होगी उन्हें देखते हैं। तो चलिए यहां पर देखिए, फ्रेडलिक आइसोथर्म एड्सॉर्प्शन। फ्रेडलिक ने यह कहा था कि आपने जाना है कि x बाई एम गैस की मात्रा है, ये अधिशोषित गैस की, और m जो है वो है अधिशोषक की मात्रा है। इस तरह से x बाई एम मतलब हुआ कि अधिशोषण की मात्रा हुआ, कितनी मात्रा में अधिशोषित हुई है पदार्थ की मात्रा हुआ। दाब के समानुपाती होता है, जितने दाब लगाई जाती है गैस के। तो हमने यहां पर लिखा भी है स्थिर ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा आरोपित गैस के दाब के समानुपाती होता है। x by m directly proportional to p। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप ग्राफ बनाते हो, तो अभी बात हो चुकी बेटा इसी का, थोड़ा सा रिवीजन भी कर सकते हो आप। k p दाब इस अक्ष पे लेते हैं x अक्ष पर, और y अक्ष पे ले रहे हैं x by m। प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, x की मात्रा बढ़ती जा रही है। यह है साइंस इस बेस पर। क्या यह सही है पूरी तरह से? इसको करने के लिए हमें आगे चलना पड़ेगा, कुछ बातों को समझना पड़ेगा। अलग अलग दाब पर यह बात अलग अलग हो सकता है दाब के साथ, क्योंकि आपने देखा है कि कम दाब पर हम धीरे धीरे दाब बढ़ाते जाते हैं, तो जैसे दाब बढ़ाते जाते हैं x by m का मान बढ़ते जाता है, यानी कि इसके समानुपाती होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसे आता है कि ये ग्राफ कुछ ऐसे होते होते ऐसे हो जाता है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ शुरुआत में ये वाला फॉर्मूला, मध्य में इसका फॉर्मूला हो जाएगा x by m समानुपाती p की पावर 1 by n, और फिर एक समय ऐसे भी हो जाएगा कि ये जो घातांक लिखा हुआ है p के ऊपर, पावर लिखा हुआ है, उसका मान n 1 by n is equal to 0 हो जाएगा, और इस तरह से ये स्थिर हो जाएगा, यानी कि आप समझेंगे कि x by m की मात्रा k के बराबर हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है इसके बारे में हम अब देखेंगे फ्रेडलिक आइसोथर्म को। देखिए, निम्न दाब पर क्या हुआ, हमने अभी बढ़ाया था, निम्न दाब पर अधिशोषण की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होता है, यानी x by m directly proportional to p, यानी कि x by m is equals to kp, यानी कि ग्राफ आपका कैसा गया p, और ये कम ताप, कम दाब पर, निम्न दाब पर मिनिम, तो x by m, और ये ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी जब दाब, जब क्या होने वाला है, चलो देखें। दूसरी कंडीशन यह है, यहां पर देखें, उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा गैस के दाब से स्वतंत्र, एक मिनट रुकिए जी, पहले इसके बाद मैं पहले निम्न दाब पर दिया मैंने, फिर सेकंड उच्च दाब पर दे रहा हूं। क्या बोला गया देखें, उच्च दाब पर यानी प्रेशर को बहुत ज्यादा किया गया है, तब क्या हुआ, तब की स्थिति में बोला गया है x by m directly proportional to p की पावर 0, यानी x by m is equals to k p की पावर 0, और जब किसी की पावर 0 होती तो उसकी वैल्यू 1 होता है, सो आपके पास क्या मिला, x by m is equals to k, यानी कि ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, ये वैल्यू क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो हमने क्या देखा यहां पे कि इसका मतलब यह हुआ, जब शुरुआत देखें दाब कम है
एक्स बाई एम की बात करें, दाब कम है तो ऐसे चल रहा था, और उसके बाद ये चला गया मध्यम दाब पर, और अधिकतम दाब पर ये चला जा रहा है। मतलब आपका ग्राफ अधिकतम दाब पर क्या जा रहा है, पी का उच्चतम दाब पर, एक्स बाई एम ग्राफ ऐसा हो गया, यानी कि एक्स बाई एम जो है एक तरफ से क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है, जैसा कि यहां पर बताया गया है, ग्राफ आपका ऐसा जा रहा है। अब फाइनली मध्यम दाब पर क्या होने वाला है उसकी घटना की, उस घटना के बारे में बात करते हैं। चलिए यहीं पर फ्रेडरिक समीकरण की बात आती है। माध्यमिक दाबों पर अधिशोषण की मात्रा गैस के दाब की जीरो और एक के मध्य घात के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर इसका मतलब होता है वन बाई एन की वैल्यू शून्य से एक के मध्य होगा, तब यहां पर इसका मतलब हुआ एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर वन बाई एन। वन बाई एन की वैल्यू कितनी होगी, शून्य से एक के मध्य होगा, माध्यमिक दाब की स्थिति में यह होगा। फिर अगर हम x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी टू द पावर n होगा, यदि हम इसको लॉग ले लें तो क्या मिलेगा, 10 के आधार पर लॉग लेंगे तो, चलो देखें अगर आप लॉग ले लेते हो तो क्या नजर आ रहा है इस जगह पे। लॉग लेने पर लॉग ये जो है इसको लॉग में कर दें तो 10 बेस एक्स बाई एम इज इक्वल्स टू के का लॉग क्या होगा, लॉग 10 बेस के प्लस प्लस क्या होगा, मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, तो लॉग पी की पावर 1 बाई एन, तो हम इसको पावर को हम सामने गुणनफल में ले लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग 10 पी। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये सरल रेखा समीकरण के जैसा है, सरल रेखा समीकरण क्या कहता है, सरल रेखा समीकरण ये है कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी कॉन्स्टेंट है, इसको हम y इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स भी लिख सकते हैं, और इसका मतलब यह हुआ कि आप इसके अनुसार समझें, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, जिसमें इंटरसेप्ट ये कॉन्स्टेंट है c, ये यहां तक की वैल्यू जो है वो सी है, उसके बाद प्लस में है, और एक्स पर ये जो एम है वो क्या है, एम जो है इसकी ढाल है, और ये प्लस में है मतलब प्लस ऊपर की तरफ, अगर ये माइनस में होता, माइनस एम होता तो क्या होता, ये जो ग्राफ जा रहा है वो नीचे की तरफ जाती। यस, तो चलें यहां पर आप देखो ये एम को दर्शा रहा है, यानी कि ढाल या प्रवणता को दर्शा रहा है, जिसको बढ़ने को प्रवणता कहते हैं, स्लोप ऊपर की तरफ जा रही है यानी कि प्रवणता कहते हैं। चलिए ये मिला, तब इसको हम इसके साथ कंपेयर करें तो हमें क्या नजर आएगा, देखो ध्यान से तुलना करने पर, तुलना करने पर हमें क्या नजर आया, वाई की जगह हमें क्या नजर आ रहा है, लॉग 10 बेस x बाई एम हो गया, x का मान क्या मिला है, x x जो है किसके बराबर मिल रहा है, x जो मिल रहा है वो log 10 बेस p के इक्वल मिल रहा है, ये log 10 p हो गया। दूसरी बात अब क्या मिला आपको, देखें यहां से कंपेयर करते चलिए, इसके साथ c के साथ ये हो गया, c जो हो गया log 10 बेस k के बराबर, और क्या मिल रहा है, m क्या मिल रहा है, m जो है 1 बाई एन के इक्वल मिल रहा है। सो आप अपना ग्राफ के बारे में सोचिए कि आपको ग्राफ क्या मिलने वाली है, जी ग्राफ क्या मिलने वाली, इससे सेम चीजें ग्राफ के रूप में मिलने वाला है, तो ग्राफ में ये मिलेगा आपको, यहां पर
मैं छू बड़ा सा एक ग्राफ बना देता हूं, यहां पे इसको थोड़ा सा मुझे डिलीट करना पड़ेगा। चलो देखो, ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा मिलेगा। ग्राफ में क्या मिल रहा है जरा सोचे, ये जो है x, x हमारे पास क्या है, x एक्सिस में log 10 बेस p, y एक्सिस में क्या मिलेगा, यहां पर इसकी तरफ क्या मिला, log 10 बेस x बाई m, और आपको यहां पर क्या मिला, इंटरसेप्ट क्या मिला, c क्या मिल रहा है, c जो है यहां से यहां तक का जो एक डिस्टेंस है छोड़ी गई बात होगी, वो क्या मिल रही है, log 10 बेस k मिल रहा है, और साथ में आपको क्या मिल रहा है, जो इस तरह से m की जो प्रवणता है वो क्या मिल रही है, ये मिल रहा है, यहां से एक ढाल मिल रही है, प्रवणता मिल रही है, वो है 1/n। तो इस तरह से हमारे पास एक ग्राफ बनता है जो कि किसको दर्शाता है, फ्रेडरिक आइसोथर्म को दर्शाता है। तो आपने जो भी है, हमने आज जो जो बातें देखा है, उन बातों को हम एक बार रिविजन करेंगे, समरी लेंगे, फिर उसके बाद आज की इस क्लास से संबंधित जो भी एमसीक्यूज होंगे या जो भी क्वेश्चन होगा उनके बारे में हम बातचीत करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। फिलहाल इस क्लास में हम एक बार समरी ले लेते हैं दोबारा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ हमने अभी देखा था, ये ग्राफ हमने देखा था, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस लॉग 10 बेस पर है, और ये जो ढाल है वो ऊपर की तरफ जा रही है, जिसको प्रवणता कह रहे हैं ना, स्लोप कह रहे हैं, स्लोप ऊपर की तरफ जा रही है, और इंटरसेप्ट जो है, अंतःखंड जो है, लॉग के बराबर है। तो ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, सरफेस केमिस्ट्री मतलब होता है सतह पर ठोस या द्रव की सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन, सरफेस केमिस्ट्री कहलाता है। अधिशोषण और अवशोषण, सतह पर किसी पदार्थ का संयोजन अधिशोषण कहलाता है, और उसके आंतरिक स्तर पर भी अगर संयोजन हो तो उसको अवशोषण कहते हैं। अधिशोषण का कारण यह होता है कि सतह पर उपस्थित ठोस या द्रव के सतह पर उपस्थित जो अणुवे होते हैं या परमाणुवे होते हैं उनकी मुक्त संयोजकताएं रहती, जिसके कारण गैसें अधिशोषित हो जाती या दूसरा पदार्थ जुड़ जाता है। अधिशोषक एड्सॉर्बेंट, वे पदार्थ जो अधिशोषित करती हैं, जैसे ठोस है उनको अधिशोषक कहेंगे, और गैस जो उसके ऊपर आती हैं, जुड़ती हैं, उनको अधिशोष्य कहेंगे, यानी कि एड्सॉर्बेंट कहा जाएगा। इनके कुछ उदाहरण है कि सिलिका जेल जल वाष्प को अधिशोषित करती हैं, प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करती हैं, चारकोल जो है कुछ गैसों को अधिशोषित करती हैं, इस तरह से कार्बनिक रंजक जो होती है कार्बनिक रंजकों को चारकोल अधिशोषित करती हैं, या शर्करा शक्कर जो है वो उनमें जो अशुद्धियां होती हैं, जो रंग होता है, जो गंध होता है, उनको चारकोल अधिशोषित करता है। वैसे बहुत सारे तेल होते हैं, उनमें जो आपने देखा होगा, जैसे गाय की जो घी आती है, शुद्ध घी कहते हो, वो आप अपने घरों में देखे होंगे, जो देसी घी आती है उसमें कितना स्मेल रहता है और कितना उसका रंग बुरा रहता है, तो उनमें चारकोल डाल करके उसके रंगों को उड़ाया जाता है। इसी सरसों का तेल देखे होंगे, गाँव का सरसों तेल और यहाँ पर मार्केट में मिलने वाले सरसों तेल, तो उसका रंग उड़ाने के लिए इस अधिशोषण की प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उपयोग करते हैं। अधिशोषण अवशोषण में अंतर जो है, अधिशोषण जो है पृष्ठीय घटना है, जबकि अवशोषण जो है एक सतही घटना या पृष्ठ में होने वाली घटना नहीं है, आंतरिक घटना है। इसी तरह से ये प्रारंभ में बहुत तेज गति से चलती हैं, लेकिन वो जो है वो समान रूप से चलती हैं, ये साम्यवस्था जल्दी स्थापित हो जाती है, जबकि उसको पूर्ण होने में काफी समय लगता है, और ये इसको जो अधिशोष्य है उसको अधिशोषित पृथक करना आसान होता है, जिसको विशोषण कहते हैं वो आसान होता है, जबकि इसका अलग करना, पृथक करना कठिन होता है, किसी स्पेशल विधि का उपयोग करना पड़ता है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है वाष्पन और क्रिस्टलन आदि का उपयोग करना पड़ता है। विशोषण डिजॉर्प्शन, अधिशोषण का विपरीत क्रिया को विजॉर्प्शन कहते हैं। यस, शोषण, अधिशोषण और अवशोषण दोनों को एक साथ जब होती है तो इसको कहा जाता है शोषण या जॉप्शन कहा जाता है, और ऑक्युलेशन एक शब्द और आता है, गैसों के द्वारा शोषण ऑक्युलेशन कहलाता है। अधिशोषण उष्माक्षेपी होता है, क्यों, क्योंकि जब अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य जब अधिशोषण की क्रिया होती तो बंध का निर्माण होता है, और बंध के निर्माण के समय कुछ ऊर्जा मुक्त हो जाती है, और दूसरा कारण होता है इस क्रिया में एंट्रोपी का मान कम होता है, इसलिए ऊष्मा क्षेपी क्रिया होती है। अधिशोषण की विशेषताएं,
यह स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है, स्वतः होने वाली घटना है, पृष्ठ में होने वाली घटना है, एंट्रोपी कम हो जाता है, ऊष्माक्षेपी क्रिया है। अधिशोषण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण, जब अधिशोषक और अधिशोषक के मध्य वंडरवॉल बल लगता है, दुर्बल बल लगता है, तो इसको कहा जाता है भौतिक अधिशोषण। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घट जाता है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ जाता है, यह उत्क्रमणी होता है। रासायनिक अधिशोषण, अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य प्रबल रासायनिक बंध लगता है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा एक सीमा तक बढ़ती है और दाब बढ़ाने पर भी अधिशोषण बढ़ता है, लेकिन यह अनुत्क्रमणी होता है, इरिवर्सिबल होता है, एक ही दिशा में चलने वाली होती है। ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, ठोसों पर क्या लिखे हैं, ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर है जो ठोस की सतह पर गैस को अधिशोषित करने के लिए जरूरी होता है, यानी उस अधिशोषण की घटना को कम या ज्यादा कर देती है। तो सबसे पहला है, ठोसों पर अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक है प्रकृति। वो गैस जो आसानी से द्रवित हो जाता है, जिनके अणुओं के मध्य आसानी से दुर्बल वंडरवॉल बॉन्ड बन जाते हैं, ऐसे गैस का अधिशोषण आसानी से होता है। अधिशोषक की प्रकृति और उसका क्षेत्रफल, अधिशोषक की प्रकृति, अधिशोषक जितना ज्यादा वितरित रहेगा, जितना ज्यादा टुकड़ों में टूटा रहेगा या उसमें सूक्ष्म छिद्र रहेगा, उसमें अधिशोषण की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि उसका क्षेत्रफल अधिक होता है, यानी सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है। अब यहां पर थिकनेस की बात आ रही है, अधिशोषित गैसों की थिकनेस कितनी होती है, कम दाब लगाएंगे, कम दाब पर गैस जो होती है एक प्रति अणु में अधिशोषित होती हैं, लेकिन जब दाब अधिक हो जाता है, उच्च दाब पर अधिक से अधिक मात्रा में गैस अधिशोषित होती हैं, बहुपरती होती हैं। लेकिन रासायनिक अधिशोषण की बात करें तो केवल एक प्रति अधिशोषण होता है। तापक्रम, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण का मान घटता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण का मान एक सीमा तक ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, फिर और ज्यादा अधिक तापमान हो जाए तो अधिशोषण की मात्रा घट जाती है। दाब, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ता है, और यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि दो तरह से यहां पर हम कह सकते हैं, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ता है, इसके लिए हम कुछ बातों पर ध्यान रखें कि एक सीमा रेखा तक तापमान बढ़ाते जाएंगे तो अधिशोषण बढ़ते जाएगा, लेकिन दाब और अधिक बढ़ाएंगे तो एक समय ऐसे आता है कि उतना अधिक अधिशोषण नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए नियमानुसार, और एक समय ऐसे आता है कि उसका अधिशोषण रुक जाता है, यानी एक ऐसा उच्च ताप पर उसमें अधिशोषण होना बंद हो जाता है, यानी जितनी अधिशोषित हुई उससे ज्यादा अधिशोषित नहीं होती, अधिशोषण की मात्रा नहीं बढ़ती है। अधिशोषित तो होती है लेकिन अधिशोषण की मात्रा नहीं बढ़ती है। तो इसको हम पढ़ते हैं फ्रेडरिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में, और इसमें महत्वपूर्ण हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, वो x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, और ये जो मान है तीन अलग अलग कंडीशन में है, a b c। a जो लागू होता है वो है निम्न दाब पर, निम्न दाब पर इसमें हो जाएगा x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, मध्यम पर, मध्यम दाब पर यह लागू होता है इस रूप में, जिसमें 1/n की वैल्यू जो है शून्य से एक तक होता है, और आपका उच्च दाब पर जो होगा इसमें 1/n की वैल्यू जो होगी वो शून्य होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे कैटलिस्ट और कोलाइडल स्टेट, यानी कि उत्प्रेरण, उत्प्रेरक और कोलाइड। तो
ये रिवीजन आपको कैसा लगा और इसमें आपको क्या सीखने को मिला और कितनी चीजें आपको याद हुई हैं ये बिल्कुल देख लीजिएगा। और मैं आपको कहना चाहूंगा इस चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, काफी जरूरी है कि इस तरह के क्वेश्चन करें, काफी आसान होते हैं। और क्या क्वेश्चन आएगा स्पेशली नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मैंने आपको बता दिए, कारण सहित बता दिए, आप लोग इन पे पूरी मेहनत करिए और इनके MCQs करा दिया जाएगा। एक बार MCQs हो चुका है, लेकिन जिस टॉपिक पे ये अभी कल क्लास हुआ है उस टॉपिक पे आपको MCQ कराया जाएगा, उस MCQs को आप जरूर देख लीजिएगा। एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए जरूरी है। तो इतनी बातें हमने आज की क्लास में देखा है और उसका समरी भी देखा है, तो मुझे लगता है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा और अच्छे से एंजॉय किए होंगे। तो इस क्लास को अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर करिए, बहुत जरूरी है। जितनी शेयर करेंगे उतनी ही हमारी क्लास आगे चलेगी और जितनी आगे चलेगी उतनी ही ज्यादा आपको जानकारी भी मिलेगी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।